हाय एवरीवन, एक बार फिर एक तरीके से ब्रीड लवर या बोलो कि जिनको ब्रीड्स अच्छे अच्छे लगते हैं, फॉरेन ब्रीड्स हमारे इंडिया में भी होती है, फॉरेन ब्रीड्स अच्छे लगते हैं, वो लोग जीत गए हैं और जो ब्रीड्स हैं माए हैं वो एक तरह से हार गई हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अब फिर वही है। ये बच्ची हमारे पास परसों आई थी, पिटबुल की बच्ची है ये, बिट्टू जा इधर आ जा। ये बच्ची हमारे पास परसों आई थी, गांव से कोई लाए थे और दे आर की ये छोड़ गए भैया, इसको आप रख लो या फिर हम यहाँ छोड़ देंगे, कुत्ते फाड़ेंगे, जो करें करेंगे। तो उस समय नहीं समझ में आया तो हमें रखना पड़ा, हम रख लिया। उसके बाद ये बच्ची इतनी डरी हुई थी कि इसको टच भी करो तो ये हंसे हो जाती थी। हमें था अभी नई नई बच्ची आई है तो इसको नहीं छुए, अभी दो दिन उसको टाइम दे। दो दिन के बाद भी खाना पानी पहले तो उसने नहीं खाया, फिर इसने कल खाया, छूरे, फिर वो अब डायग्नोस हुआ है कि एक तो बच्ची के पैर खराब है, पैर भी नहीं पीछे का ये एरिया ही खराब है, चलती है एकदम पैर फैलते हैं गिर जाती है, मतलब ऐसे ऐसे गिर गिर के चलती है, इसके पीछे का ये पैर का एरिया खराब है, ठीक है। दूसरा, बच्ची फुली ब्लाइंड है या करीब 80% तो कंफर्म है मुझे, 80% तो ब्लाइंड है ही है, ये 20% डाउट है, बट डाउट ये मेरा कर नहीं रही क्योंकि मैंने इसको काफी चीजें करके देख ली, ये हर चीज को स्मेल कर रही है, कि किसी भी चीज को जाकर पकड़ नहीं रही है, इसे कुछ नहीं दिख रहा है। डेफ यानी बहरे होने का मुझे डाउट है क्योंकि ये आ रही है, बच्चे भौंक रहे हैं तो ये रिएक्ट नहीं कर रही, अगर हल्की फुल्की है डेफ तो पता नहीं चलेगा, अभी धीरे पता चलेगा। मुझे लगा था आईज इसकी गंदी है शायद इसलिए इसे कम दिख रहा, बट इसे दिख ही नहीं रहा है, इसे सीढ़ी नहीं दिख रही है, इसे हम नहीं दिख रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैंने इसे प्यार करा तो अब थोड़ा सा स्मेल करने के बाद थोड़ा देखो अभी फिर मुझे स्मेल करेगी तब समझेगी, हर चीज को स्मेल कर रही है वो। तो ये वही है आप लोगों की ब्रीडिंग का नतीजा है, पक्का 100% से बच्चे पैदा नहीं करे हैं, ये अभी छोटी बच्ची है, ज्यादा से ज्यादा होगी साल भर की, साल से भी छोटी हो सकती है ये, पर जो इसकी हालत है उस हिसाब से शायद ब्रीडर ने मना कर दिया होगा कि भाई ये एक तो इसके पैर खराब है पीछे के तो ये बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी या हीट पे नहीं आ पाएगी, दूसरी अगर इसने बच्चे पैदा करे और ये माँ के पेट से ब्लाइंड और डेफ पैदा हुई है तो मे बी पॉसिबल इसके बच्चे भी ब्लाइंड और डेफ पैदा हों, क्योंकि ये जेनेटिक हो जाता है अगर ये पैदा ही ऐसी हुई है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची कोई एक्सीडेंट का साइन नहीं है, कुछ नहीं है, आंखों में मोतियाबिंद नहीं है, कुछ नहीं है, बट इसकी आंखें, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, टोटली डिस्टर्ब। तो पता नहीं न्यूरो प्रॉब्लम है, आईज की प्रॉब्लम, अभी इसने मुझे, सिर्फ मुझे और किसी को नहीं, सिर्फ इतना टच करने दे रही है फिंगर, बस इतना, उसके बाद ज्यादा करने की कोशिश करो डर जा रही है। तो कोई